हे फ्रेंड्स, मैं दिशिका आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दिशिका ब्यूटी हब में। दोस्तों, आज मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ चिया सीड मास्क। इस मास्क को कैसे बनाते हैं और लगाते कैसे हैं, ये मैं अपने वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, चिया सीड देखने में कैसा होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है चिया सीड, इस तरह का कुछ होता है, अगर आप इसको देख पा रहे हो अच्छे तरीके से। ओके, तो फिर मैंने इस चिया सीड को मिक्सी में पीस लिया है। पीसने के बाद मैंने इसमें वाटर डाल के इसको लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आप चाहें तो इसमें गुलाब जल, दूध, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी का यूज़ करा है। तो पानी में भीगने के बाद ये कैसे दिखता है और ये कैसे लगाया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो पानी में भीगने के बाद ही कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल जेली फॉर्म में हो गया और ये बिल्कुल भी कहीं से नहीं गिर रहा है, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो ये कहीं से नहीं गिर रहा है। अब इसको मैं अपने फेस पे लगाऊंगी आपके सामने। तो फिर मैं इसको लगाने जा रही हूँ। अभी कुछ इस तरीके से होता है, ये देखिए जेली जैसा है ये। और अब मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं इसको लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मूथली नहीं जाता है, जबकि जेली की तरीके के है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से अपने फेस पे पूरा लगा लेंगे। ओके, ओह माय गॉड, ये तो लग ही नहीं रहा है। ओके, मैं भी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, लेकिन बनाया है तो लगाना तो है ही है। तो मैं इसको अच्छे से लगा के बताती हूँ कैसे लगता है ये। वो दिखाते हैं ना वीडियो में ऐसे ऐसे करके लगा लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ऐसे लग नहीं रहा है, क्योंकि एकदम जेली फॉर्म में है तो ये स्किन को बिल्कुल भी पकड़ नहीं रहा है। और इसमें मैं कुछ ज़्यादा मिलाना ही नहीं चाहती, क्योंकि मिला लूँगी तो ये लग तो जाएगा, लेकिन फिर इसका जो रिज़ल्ट सही वाला होता वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा ना। तो इसलिए कुछ मिलाते नहीं हैं, इसको एज इट इज़ लगाते हैं। ओह माय गॉड, क्या हो क्या रहा है। इसको छूने में बड़ा अजीब सा लग रहा है।
मेरा सूट खराब हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, डरिएगा नहीं प्लीज। तो आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको अपने फेस पे किसी तरीके से टिकाया है। अच्छा, इसको बाइंड करने के लिए आप इसमें मैदा आटा भी मिला सकते हैं, लेकिन मुझको इसका रियल रिजल्ट जानना था कि ये अगर अपने रियल फॉर्म में काम करता है तो ये कैसे करता है। तो मैंने इसको इसलिए बिल्कुल इसको वर्जिन तरीके से लगाया, इसका जो नेचुरल रूप है उसी तरीके से लगाया है, इसमें कुछ भी मिलाया नहीं है। शायद आटा या मैदा मिलाती तो थोड़ा सा ये और अच्छे तरह से लग जाता, लेकिन नहीं मिलाना था मुझको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं किसी तरीके से मैंने अपने चेहरे पर लगा लिया है, और लगाने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं। वीडियोज में तो मैंने देखा था कि यूं लगाते हैं और फटाक से निकाल लेते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह से निकल तो जा रहा है लेकिन इतना फिट नहीं बैठ रहा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं 10 मिनट के बाद, और 10 मिनट के बाद मैं हाजिर होंगी इसके रिजल्ट के संग। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि ये बहुत ही कूल सा लग रहा है, बहुत ही ठंडा ठंडा सा एहसास दिला रहा है, और ये जहाँ जहाँ छूट रहा ना वहाँ पे स्किन एकदम अलग ही टाइप की निकल कर आ रही है। तुरंत ये सब कुछ गंदा सा जो भी चेहरे पे आ रहा था वो सब रिमूव कर दे रहा है। बहुत कठिन लगाना है इसको, बहुत ज़्यादा। ओ माई गॉड। तो चलिए मिलते हैं इसके रिजल्ट के संग जब मैं इसको धुल लूँगी पूरे 10 मिनट के बाद। और मुझे लग रहा है मुझे ऐसे 10 मिनट तक ऐसे ही इसको संभालते रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद इसके रिजल्ट के साथ। ओके, तो गाइस मैंने अपना चेहरा धुल लिया, धुलने के बाद ये वाकई में बहुत इफेक्टिव है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नो मेकअप, और ये सिर्फ मैंने अभी चेहरा धुलकर आपके सामने आ गई हूँ, तो आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं कितनी शाइनी ग्लोई और कितनी स्मूथनेस, इंस्टेंट फेयर भी आ गया है। तो गाइस जैसा आपने देखा कि कितना अच्छा इफेक्टिव है, लेकिन लगाने में ना आपके छक्के छूट जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही स्टिकी सा जेली टाइप का है। इसको मैनेज करना अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन अगर आप किसी तरह से मैनेज करके इसको अगर आप लगा लेते हैं और इसको 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट लिए छोड़ देते हैं, तो आपके भी चेहरे पर भी कुछ ऐसा ही निखार आने वाला है जैसा कि मेरे चेहरे पर आप देख रहे हैं। और कितना अच्छा, कोई भी मेकअप की ज़रूरत नहीं लगेगी इसमें मेरे ख्याल से लगाने में, तो इतना इफेक्टिव है। तो आपको तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए गाइस, आप जल्दी से लाइ जाइए और चिया सीड लाइए, इसको पीसिए, भिगोइए और चेहरे पे किसी तरीके से लगा लीजिए। और लगाने के बाद जब आपके पास अच्छा से रिजल्ट आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ, और ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।